नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम अपने इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट के बारे में। इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ इसको शेयर भी करना है, ताकि जो ज्ञान का हम आदान प्रदान कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। दो वीडियोस हम अभी तक बना चुके हैं और दोनों वीडियोस के अंदर में मैंने आपको अभी तक बर्थ चार्ट बनाना सिखाया और उसको कैटेगरीज में बांटना सिखाया। आज मैं उस बर्थ चार्ट को और ज़्यादा डिटेल में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बर्थ चार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था और मैंने आपको ये बताया था कि ये एक कैटेगरी है जिसको हमने कहा बच्चे की कैटेगरी, इस कैटेगरी को हमने कहा था जवानी, और इस कैटेगरी को हमने कहा था बुढ़ापा। इसके अलावा ये एक कैटेगरी हमने ली थी जिसे हमने फिजिकल प्लेन कहा था, इस कैटेगरी को हमने मेंटल प्लेन सोल प्लेन कहा था सॉरी, और इस कैटेगरी को हमने एक मेंटल प्लेन कहा था। तो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, और जिनको नहीं पता है वो हमारे लास्ट वीडियोस एक बार ज़रूर देखें। दोनों ही बर्थ चार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी पार्ट वन और पार्ट टू के जो वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आप ज़रूर देखें। अब पार्ट थ्री के वीडियो में मैं आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि जब हम बात करते हैं बच्चे वाली, देखिए बच्चा मैंने इसको क्यों कहा, बच्चा मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तभी हमारी न्यूमरोलॉजी हम पर लागू हो जाती है, क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ सेम डेट पे मिल जाती है, पैदा होते ही मिल जाती है, तो न्यूमरोलॉजी हमारे ऊपर लागू होती है। और न्यूमरोलॉजी हमारे ऊपर लागू होने का मतलब यही है कि जिस समय हम पैदा हुए उसी समय हमारी न्यूमरोलॉजी हम पर वर्क करती है, नंबर हमारे पर वर्क करने लग जाते हैं। इसलिए शुरुआत जन्म की हो चाहे नंबरों की है, दोनों ही शुरुआत जो है वो नंबर वन से होती है, यानी कि बचपने से होती है, बच्चे से होती है। तो आइए बात करेंगे हम नंबर वन के बारे में, नंबर वन के बारे में कुछ फीचर्स जानेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि नंबर वन हमें क्या देता है। हम चूंकि इसको एक बच्चा कह रहे हैं, इस वजह से हमें एक बच्चे के फीचर को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के फीचर को समझने का मतलब यही है कि वो बच्चा हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या फीचर्स उस बच्चे के हमारी ज़िंदगी के अंदर आ रहे हैं। नंबर वन के ट्रेट को समझने से पहले हम उस बच्चे के ट्रेट को समझते हैं कि वो जब पैदा होता है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर वन सूर्य का नंबर है। हम लोग कहते हैं कि सूर्य जो है वो स्टेटस का कारक होते हैं, मान सम्मान का, रिस्पेक्ट का, प्रॉपर्टी का, गेन्स का कारक होता है, पिता का कारक होता है, और यही सारी चीज़ें एक पैदा हुए बच्चे को भी मिलती हैं। कभी आप नोट करें कि जब भी घर में आपके बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं, एक रिस्पेक्ट का विषय बन जाता है, घर में फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारा मान सम्मान उस बच्चे को दिया जाता है, बहुत सारे गिफ्ट उस बच्चे के लिए लाए जाते हैं, और बच्चे को पैदा होते ही उसके फादर की प्रॉपर्टी भी मिलती है, क्योंकि जिस दिन बच्चा पैदा हो गया उसकी पिता की संपत्ति पे उसका हक मान लिया जाता है, यह कहा जाता है कि यह उत्तराधिकारी बनकर आ गया है। रिश्ते जो कि सूर्य रिप्रेजेंट करता है, वो रिश्ते भी पैदा होते ही बच्चे को मिलते हैं, क्योंकि बच्चा अपने रिश्ते डिसाइड करके नहीं आता है कि ये मेरी बुआ होगी, ये मेरे मामा होंगे, ये मेरे चाचा होंगे, नहीं, उसके पैदा होते ही उसको बुआ, मामा, चाचा सभी के सभी रिश्ते मिल जाते हैं। यानी कि नंबर वन के जितने भी फीचर हैं वो बच्चे को पैदा होते ही मिल जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको एक बच्चे की कैटेगरी भी माना है। यहाँ पर एक मैं आपको और बात कहना चाहूँगा कि जैसे सूर्य हमें सब कुछ देता है, वैसे ही एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बहुत कुछ मिलता है, बहुत मान, प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, रिश्ते, फादर की प्रॉपर्टी का वारिस उसको अनाउंस कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली सूर्य अपने सारे फीचर एक पैदा होते हुए बच्चे को देता है, जो कि हम नंबर वन के फीचर्स मानते हैं। कुछ चीज़ें जो हमें नहीं मिलती हैं,
क्योंकि अक्सर मैं आपसे इसलिए बात करूंगा बिकॉज हमारे पास जितने भी लोग आते हैं न्यूमरोलॉजी करवाने के लिए, जितने भी लोग आते हैं वो किसी ना किसी चीज़ को लेके परेशान होकर ही मैक्सिमम हमारे पास आते हैं। हमें पता होना चाहिए कहाँ कमी है, ताकि हमें अगर उसकी बीमारी का पता होगा तो एज ए डॉक्टर हम उसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उसको दे सकेंगे। तो हमें नंबर वन के सारे फीचर्स को डिटेल में जानना है, और वो जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस बच्चे के ऊपर फोकस करना है। हमने एक तरफ तो ये देख लिया कि आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको मान सम्मान प्यार पैसा रिस्पेक्ट रिश्ते प्रॉपर्टी सब कुछ मिल चुकी है, लेकिन और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नंबर वन के बारे में, तो दूसरी तरफ नंबर वन को आप देखिएगा, छोटा बच्चा सब कुछ होता है, सब कुछ होता है एक छोटे बच्चे के पास, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम उस बच्चे के पास होती है तो वो क्या होती है, और वो ये होती है कि वो व्यक्ति अपने दिल की फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर सकता। यानी कि आप एक छोटे बच्चे को देखिएगा, छोटे बच्चे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि परमात्मा ने उसको एक जुबान नहीं दी होती जब वो पैदा होता है, उसकी जुबान को डेवलप होने में समय लगता है। इसी तरह से नंबर वन वालों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये अपने दिल की फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकते, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जहां इंटरनल मैटर्स की बात आती है वहां पर इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब एक छोटे बच्चे को अगर पेट में दर्द हो रहा हो ना, और वो अभी पैदा ही हुआ है, तो वो ये बता नहीं पाएगा कि आपको कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, वो रोएगा चिल्लाएगा, अपनी बातों को रो के अपने चेहरे के हाव भाव से आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि बच्चा जो रो रहा है उसको चुप करा लिया जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, कभी बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, कभी उसका एटमॉस्फेयर चेंज करने की कोशिश करते हैं, कभी उसको लोरी सुनाने की कोशिश करते हैं, कभी उसको गाने सुनाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके हम लोग अपनाते हैं उस बच्चे को चुप कराने के लिए कि किसी तरह से ये बच्चा चुप हो जाए। लेकिन उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उस बच्चे की समस्या क्या है, वो हम कभी देख नहीं पाते हैं, उसको हम जजमेंट नहीं ले पाते हैं उसकी। यही समस्या नंबर वन वालों के साथ आती है। नंबर वन वालों के साथ ही बहुत बड़ी समस्या है कि ये लोग अपने दिल की फीलिंग्स जो हैं वो दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं, और अक्सर इनकी बातों को गलत समझ लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नंबर वन वालों को यहां पर फेस करना पड़ता है। एक छोटे बच्चे से उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं। दूसरी बात, चूंकि ये अपने दिल की प्रॉब्लम्स, अपने दिल की भावनाएं जो हैं वो दूसरों से शेयर नहीं कर पाते, तो इस वजह से अंदर ही अंदर कमजोर होते जाते हैं। और आप देखिएगा कि मैक्सिमम वो लोग जो एक नंबर से संबंध रखते हैं हार्ट अटैक का शिकार ज्यादातर होते हैं, बिकॉज उनके दिल की भावनाएं उनके अंदर तक रह जाती हैं, वो शेयर नहीं कर पाते हैं किसी के साथ, या अगर वो करते हैं तो उनकी भावनाओं को समझा नहीं जाता है, या उनको दूसरे तरीके से खुश करने की कोशिश की जाती है, वो जो कहना चाहते हैं उस पे लोगों का फोकस नहीं आ पाता। जैसे एक छोटा बच्चा अपने दिल की फीलिंग्स दूसरों को बता नहीं पाता है या दूसरे उसको समझ नहीं पाते हैं, वही चीज रहती है नंबर वन वालों के साथ, वो अपने दिल की बात दूसरों को नहीं बता पाते हैं या दूसरे उसको समझ नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है नंबर वन वालों का। तो प्यारे दोस्तों, ये नंबर वन वालों के लिए छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि नंबर वन अगर आपकी जन्म तारीख के अंदर नहीं है, या एक बार आ रहा है, या दो बार आ रहा है, या तीन बार आ रहा है, या चार बार आ रहा है, तो कैसे क्या इंपैक्ट आपकी जिंदगी के अंदर रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी नेचर का एक बहुत बड़ा रहस्य जो है हमारे सामने आएगा। तो प्यारे मित्रों, हमारे साथ बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम, यानी कि मैं आपको बताऊंगा नंबरों से जुड़े हुए बहुत सारे अनसुलझे रहस्य जो आपको न्यूमरोलॉजी सीखने समझने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे। और अगर आप भी न्यूमरोलॉजी यानी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। मैं फिर से अपना नंबर यहां पर लिख रहा हूं, 9034730625 पर आप संपर्क करें, और न्यूमरोलॉजी को बहुत बारीकी से सीखने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें।
मैं पर्सनली आपको ये क्लासेस देने वाला हूं। जानिए नंबरों के रहस्यों से और करिए दोस्ती नंबरों के साथ और बन जाइए इनके राजदार। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।